శ్రీహరిం పరమానందముపదేారమీశ్వరం వ్యాపకం సర్వోకా కారణం తన్నమామ్యహం యశోమతికిశోరకం నమామి చిత్తచోరకం सर्वेभ्य जय श्री कृष्ण आप सभी को जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय श्री हरि सभी को प्रेम प्रणाम और सभी का स्वागत श्री विद्यानि केतन श्री केतन मंदिर से समूचे विश्व को भगवान परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत, बहुत बधाई जय परशुराम अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः ससरम धनुहो इदम क्षात्रम इधम ब्रह्मम शरादपि पांचवे वेद कहे, जन, कहे जाने वाले महाभारत में भगवान परशुराम के लिए यह बड़ा प्यारा और दिव्य श्लोक दिया गया है और इसमें भगवान परशुराम की परम सत्ता का निरूपण किया गया है उनके पास उनके श्रीमुख में तो चार वेद है लेकिन शास्त्र में पीठ के पीछे ससरम रम बाण का भाथा भी रखते हैं और भगवान परशुराम जी अपने हाथ में भगवान शिव जी के द्वारा प्रदत्त परशु को धारण किए हुए हैं तो भगवान परशुराम जी के जीवन का संदेश क्या है आज जब हम भगवान परशुराम को आज के दिन हम जब भगवान परशुराम को प्रणाम कर रहे हैं तो प्रणाम करते हुए भगवान परशुराम जी के जीवन से हमें क्या संदेश प्राप्त होता है तो प्राय हम सभी ये जानते हैं और ये मानते भी है कि प्राय प्राय भगवान परशुराम ब्राह्मणों के इष्ट देवता है और ब्राह्मण ही उनकी पूजा करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है किसी एक जाति के साथ हम भगवान परशुराम को नहीं बांध सकते हैं क्योंकि वो तो वैश्विक है और अवतार वैश्विक ही होता है कथा हम सभी जानते हैं ऋचिक ऋषि के तपोबल से जो चरु प्रगट हुआ और उस चरु से भगवान परशुराम का प्रागट्य जमदग्नि ऋषि और उनकी पत्नी रेणुका से हुआ है क्षत्रिय मंत्र बोले गए थे तो इसलिए क्षत्रिय गुणों को लेकर ब्राह्मण के यहाँ एक ब्राह्मणी के यहाँ परशुराम जी का प्रागट्य हुआ और सहस्रार्जुन का उन्होंने नाश किया यहाँ सहस्रार्जुन का नाश किया इतना ही नहीं सहस्रार्जुन के दस हजार पुत्रों का भी उन्होंने नाश कर दिया यहां तक ही नहीं रुके उन्होंने अपने परशु के प्रभाव से इक्कीस बार एक बार दो बार तीन बार नहीं किंतु इक्कीस बार उन्होंने इस समग्र पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिया क्षत्रिय रहित कर दिया तो क्या संदेश मिलता है इसमें से हमें तो भगवान परशुराम सबसे पहले तो श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर हम देखे तो यमाहुर वासुदेवांशम भगवान वासुदेव के ही वे अंश है। हे 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 है, है, है वंश के अंत के लिए ही उनका प्रागट्य हुआ है तो हे हे वंश का राजा है अर्जुन उनके बेटे हैं दस हजार तो उनका विनाश हो गया फिर तो वहां रुक जाना चाहिए था परशुराम भगवान को लेकिन वे रुके नहीं उन्होंने उन उन राजाओं को मारा है जो अधर्म के मार्ग पर चलते थे जो अन्याय करते थे जिनके पास कोई जिनके शासन में कहीं कोई धर्म नहीं था ऐसे राजाओं का उन्होंने वध किया है तो ये यहां पर हमको ये संदेश मिलता है कि जब शस्त्र वाला जो मार्ग है वो जब अपना रास्ता भूल जाता है तो उस शस्त्र वाले मार्ग को रास्ता दिखाने के लिए शास्त्र प्रकट होता है और फिर शास्त्र को स्वयं को शस्त्र उठाने पड़ते हैं और शास्त्र के द्वारा ही धर्म की संस्थापना होती है जब राजा कहता है आ, मैं दंड देने वाला हूं तो राजाओं को दंड देने वाला कौन है तो धर्म है तो धर्म ही उस राजा को दंड देता है तो भगवान परशुराम का यह प्रागट्य यह आवेशावतार हमको यह संदेश देता है कि जब राजसत्ता अपना मार्ग भूल जाती है तो धर्म सत्ता आकर राजसत्ता को अपना सही मार्ग दिखाती है तो राजसत्ता को भी चाहिए कि वो धर्म सत्ता के अधीन रहे और धर्म सत्ता के दिखलाए हुए मार्ग पर ही चले धर्म सत्ता को चलने के लिए राजसत्ता की आवश्यकता नहीं है याद रखें धर्म सत्ता को चलने के लिए राजसत्ता की आवश्यकता नहीं है लेकिन राजसत्ता को चलने के लिए धर्म सत्ता की आवश्यकता है और भगवान परशुराम एक ऐसी धर्म सत्ता है जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पूर्ण पालन करते हुए धर्म का पूर्ण का पालन करते हुए नीति पूर्ण और न्याय पूर्ण अपने आचरण को आचरण का दर्शन कराते हुए समग्र विश्व में समग्र सृष्टि में उन्होंने उस समय धर्म की स्थापना की धर्मपूर्ण न्याय व्यवस्था की स्थापना की धर्मपूर्ण राज व्यवस्था की स्थापना की तो एक राजा को क्या करना चाहिए ये भगवान परशुराम ने अपने जीवन के द्वारा दर्शन कराया है पिता के वे अज्ञाकारी पुत्र भी थे इसलिए जब उन्होंने सहस्रार्जुन का वध किया और पिता ने उनको जब कुछ शब्दों में डांटा और कहा कि जाओ तप करो तो तप करने भी गए हैं और जब तप करके वापस आए और कहा जब अपनी पत्नी ऋषि की पत्नी रेणुका जी के द्वारा एक अपराध हो गया और कहा कि अपने बड़े भाइयों समेत अपनी माता को मार डालो तो अपने पिता के तपोबल को वे जानते थे और पिता की आज्ञा का पालन किया और फिर जब पिता ने कुछ मांगने के लिए कहा तो परशुराम भगवान कहते हैं कि आप अपने तपोबल से मेरी माता को और मेरे भाइयों को जीवित कर दीजिए लेकिन हाँ जब वे जीवित हो जाए तो मैंने जो आ, आ, ये इनकी हत्या कर दी ये बात भी भूल जाए और ये कथा हम सभी जानते हैं तो आज भगवान परशुराम जी की यह प्रागट्य तिथि है परशुराम जी की जयंती है और हम जब सभी समूचा विश्व भगवान परशुराम जी की जयंती को मना रहा है तो जिनकी दादी स्वयं कौशिकी नदी बन गई ऐसे भगवान परशुराम जिनका जीवन भी ऐसा दिव्य है तो हम भगवान परशुराम के जीवन से यही संदेश लें कि हमें भी धर्म के मार्ग पर चलना है और प्रत्येक शासक को यह संदेश लेना चाहिए कि यदि अधर्म का आचरण अपने जीवन में करेगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आवेश के रूप में भगवान परशुराम प्रकट होकर उनको धर्म के मार्ग पर चलाएंगे तो ऐसे ऐसे भगवान परशुराम की इस पावनी पुण्यमयी तिथि पर आप सभी को भगवान परशुराम जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई आज विद्यानी श्री विद्या निकेतन श्री हरि मंदिर में हम सभी भगवान परशुराम जी की जयंती को आ, मना रहे हैं आप सब भी अपने अपने घरों में रहकर भगवान परशुराम जी की जयंती को मनाएं वैसे अक्षय तृतीया श्री हरि मंदिर में कल अक्षय तृतीया के अक्षय तृतीया को मनाया जाएगा और आज हम भगवान परशुराम जी की जयंती को मना रहे हैं ठाकुर जी के मुख्य कपाट द्वार बंद है लेकिन प्रतिदिन के अनुसार श्री हरि मंदिर में श्री हरि भगवान के विभिन्न विग्रह स्वरूपों की नित्य पूजा उसी क्रम से चल रही है और हम सभी श्री हरि मंदिर में श्री सांदीपणि विद्या निकेतन में ठाकुर जी के संग आनंद ले रहे हैं समग्र विश्व के मंगल की कामना के साथ जय परशुराम जय श्री हरि जय श्री कृष्ण जय श्री राम प्रणाम